हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपार्ट फ्रॉम यू वांगशियान फैन फिक्शन का पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। फैन फिक्शन का ऑथर का नाम है जीवा फैंटेसी गर्ल। गाइस, आप लोग बोल रहे हो वेंजू आई मीन वर्ल्ड ऑफ ऑनर का फैन फिक्शन शेयर करने के लिए, तो ऑनेस्टली मैंने वर्ल्ड ऑफ ऑनर देखा तो है बट अभी तक कोई फैन फिक्शन मैं पढ़ी नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ वांगशियान का फैन फिक्शन ही पढ़ी हूँ अभी तक, बट वर्ल्ड ऑफ ऑनर का मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी पढ़ने की, और अगर मुझे कोई भी फैन फिक्शन अच्छा लगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं श्योर नहीं बता सकती क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कब पढ़ने की टाइम मिलेगा मुझे, और अगर कोई अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड हेवेंस ऑफिशियल ब्लेसिंग्स भी मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर मैं देखती हूँ और अगर किसी ने वो शेयर नहीं किया है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ठीक है, आज का इंट्रो ही ख़त्म करते हैं, चलते हैं फैन फिक्शन पे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था एक बॉय आता है वुइंग के सामने जो बहुत ही अट्रैक्टिव है दिखने में। वो वुइंग को नीचे गिरने से रोकता है एंड उसको भूखा देख के वो बॉय उसे पूछता है, क्या तुम्हें वो बन चाहिए, क्या तुम भूखे हो? विंग मने मन में बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी और मैंने सिर्फ नोट की। उस बॉय ने दुकान में जाके कुछ बंस खरीदे और वो सब बंस उसने मेरे हाथ में रख दी। मैं बहुत भूखा हूँ बट फिर भी मैं बंस की तरफ नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसने अपने हाथ मेरे सिर पे सहलाया एक स्वीट सी स्माइल से और कहा, ये सब तुम्हारा है। मुझे लग रहा था कि मेरी पेरेंट्स ने इस एंजल को मेरे पास भेजा है मेरे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के बाद सिर्फ यही है जिसने मुझे इतनी प्यार भरी आंखों से देखा है। मैं उसे थैंक करने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसे बुलाया और उसने कहा, आ रहा हूँ। उसने मेरे शोल्डर पे टैप की और खड़ा हुआ जाने के लिए, पर मैंने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। क्यों जाने दूँ? बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे ऐसा ट्रीट किया कि मैं प्रिसियस हूँ, और ये कुछ ही मिनट की बात है और अब वो जाना चाहता है। उसने मेरी तरफ एक कंफ्यूज्ड लुक दी। मैंने उसे एक हेल्पलेस पाउटी फेस दिखाया। मेरी हार्ट जोर जोर से कह रहा था, प्लीज़ एंगल मत जाओ, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उसने अपने घुटनों पे बैठा और उसके दोनों हाथ मेरे कंधों पे रखा और कहा, स्ट्रॉन्ग रहो मेरे डियर, सेफ रहो। उसने मुझे एक स्माइल दी और मुझे एश्योर किया जैसे कि वो मेरे पास फिर से आएगा। मेरा हार्ट पिघल गया। उसने सिर्फ मुझे अपने ख्याल रखने के लिए कहा, पर मुझे फील हो रहा था कि जैसे मैं पूरा वर्ल्ड वोन कर चुका हूँ। वो चला गया। मैं उसी डिरेक्शन पे देखे जा रहा था जहाँ से वो जा रहा है, जब तक कि वो कम्प्लीटली डिसअपीयर ना हो जाए। महीनों बाद मुझे इंसान के खाने वाला कुछ खाना मिला, क्लीन बेक्ड फूड, जो डॉग के मुंह से छीनने वाला खाना नहीं है। मैंने दो बंस खाए और दोनों रख लिए, नेक्स्ट डे के लिए या फिर बाद में खाने के लिए। फिर मुझे याद आया, ओ शिट, मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गया, और वो कहाँ से है? मैंने अपने आप को कर्ज किया। मैं उसी डायरेक्शन में दौड़ा जिस डायरेक्शन से वो गया था, बट मुझे वो नहीं मिला। मैंने उसे बहुत ढूंढा इधर उधर और चिल्ला के बोलने लगा, एंजल कहाँ हो तुम? कुछ लोग जो आसपास से जा रहे थे मुझे एक डिस्गस्टिंग लुक से देखे और कहे, एंजल, बट मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ जिसे मैंने कुछ देर पहले ही देखा था। मैं इतना डम कैसे हो सकता हूँ कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा? मैं उसको ढूंढने में बिजी हो गया और सडनली मेरे सामने वो इडियट डॉग अपीयर्ड हो गया। उसे देख के जैसे मेरे आत्मा मेरे शरीर से निकल ही गया हो। मैंने वो बंस तो खाए पर फिर से लगता है मेरे बॉडी वीक हो चुका है और मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उस एंजल को ढूंढते वक्त बहुत सारी एनर्जी लॉस कर दी थी। बट अब क्या? वो डॉग मेरे तरफ ही आ रहा था अपनी टीथ को ग्रिट करते करते। पता नहीं
क्या था उस डस्टबिन पे पड़े हुए ब्रेड पे जिसे मैंने उसके मुंह से छीना था। मैंने अपना बैलेंस खो दिया और नीचे गिर गया। उस डॉग ने जंप की और क्रेजीली भौंकने लगा और मेरी तरफ ही देखने लगा, जैसे कि मैंने उसका ब्रेड नहीं छीनी थी, उसकी किडनी छीन ली थी। मैंने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और अपने घुटनों के बीच अपने फेस को रख ली डर से। फिर मैंने कुछ देर बाद डॉग की रोते हुए आवाज़ सुनी। मैंने अपना फेस को उठाया ये देखने के लिए कि किसने मेरा हेल्प की, क्या मेरे एंजल वापस आ गया। फिर मैंने एक चार्मिंग फिगर को देखा मेरे सामने, जिसके हाथों में चमकती हुई तलवार थी। वो मेरे तरफ ही देख रहा था प्यार भरी आंखों से, जो प्यार मैं अपनी पापा की आंखों में देखा था। मैंने कुछ रियलाइज करते बिना ही खड़ा हो गया और उसके तरफ दौड़ के उसको हग कर लिया। उन्होंने मुझे अपने गोद में उठा लिया और मैं बिल्कुल टूट के रो पड़ी। पता नहीं क्यों, मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था इस इंसान को देख के, बट मुझे उनमें मेरे पापा नज़र आ रहा था। उन्होंने मुझे टाइटली पकड़ लिया, वो मेरे हेड को सहला रहा था मुझे काम डाउन करने के लिए। उन्होंने इमोशनली कहा, थैंक यू जिंदा रहने के लिए, थैंक यू मेरे बच्चे। मैंने उनकी तरफ देखा, वो मेरा आंसू पूछ रहे थे और मुझसे पूछ रहे, तुम यहाँ पर क्यों हो विंग, तुम यंगमंग से इतना दूर कैसे आ सकते हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था तुम्हारे पेरेंट्स के लेटर्स रिसीव करने के बाद। वो मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे बट मैं कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा था। पता नहीं क्यों, मैं सिर्फ उन्हें हक करना चाहता था और रोना चाहता था और पिछले दिनों के सारे मेमोरीज में भूलना चाहता था। वो मुझे गोद में लेकर ही खड़े हो गए। मुझे लग रहा था कि मैंने इस इंसान को पहले कहीं देखा है, पता नहीं क्यों मैं उन्हें याद नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे याद आया, अंकल जियांग। मैं चिल्ला कर उठा खुशी से, अंकल जियांग, वो मेरे अंकल जियांग हैं, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड। मेरे पापा हमेशा कहते थे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अंकल जियांग के पास चले जाना, जैसे कि उन्हें पता था कि फ्यूचर में ऐसा दिन आने वाला है। वो मेरे चीक्स को पिंच्ड किए सॉफ्टली और स्माइल किए और कहे, हाँ तुम्हारे अंकल जियांग, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा, घर, क्या मेरे मम्मी पापा आ गए? उन्होंने एक सैड एक्सप्रेशन दी और कहे, वो चले गए। मेरा हार्ट स्किप कर गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, बट मुझ में इतना शक्ति नहीं थी और इतना बुद्धि भी नहीं थी कि मैं इस मीनिंग को समझ सकूं। अंकल जियांग मुझे देख के समझ सकते थे कि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा, घर चलो विंग, तुम्हारे नए घर जहाँ पे तुम्हारी बड़ी बहन है, छोटा भाई है। और मैं तो खुशी से उछल पड़ा, सीजीए, मेरा सीजीए है और मेरा छोटा भाई भी है, वाह, क्या वो मेरे साथ खेलेंगे? अंकल जियांग हंसे और कहे, हाँ वो लोग तुम्हारे वेट कर रहे हैं। मैं अंकल जियांग के कंधों पे ही अनकॉन्शियस हो गया। मैं ये वार्मथ को बहुत दिनों से मिस कर रहा था। नेक्स्ट डे जब मेरी आंखें खुली, मैंने देखा लोटस पियर को, बहुत ब्यूटीफुल है, हेवन से भी ब्यूटीफुल। मैं देख सकता था बहुत सारे लोटस वहाँ पे खेल रहे थे और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत ही यूनिक है। फिर मुझे एक वुमेन की शाउटिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी चेम्बर से बाहर गया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने देखा एक वुमेन अंकल जियांग के ऊपर चिल्ला रहा है। वो पूछ रही है, क्यों क्यों तुम उस स्ट्रेस को मेरे घर पे लेके आए, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारे भी खुद के बच्चे हैं, तुम्हारा तुम्हें आइडिया भी है कि लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में और इस बच्चे के बारे में? अंकल कह रहे थे, वो मेरी डियरेस्ट फ्रेंड की सन है, उसके फादर की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। वो वुमेन फिर से चिल्लाने लगी और कही, मुझे कुछ नहीं पता, उसे मेरे घर से अभी का अभी निकाल दो।
मैं अंकल के पास दौड़ के गई और उनको मेरे पीछे कवर कर लिया और उस आंटी को कही, आंटी प्लीज़ मेरे अंकल पे गुस्सा मत होइए, मैं अच्छा लड़का बन के रहूँगा, मैं कोई बदमाशी नहीं करूँगा। क्या आप मुझे यहाँ पे रहने दे सकती हैं? मैं सीजी और बेबी बदर के साथ खेलना चाहता हूँ। वो वोमेन और भी गुस्सा हो गई और मुझसे पूछी, कौन तुम्हारा बेबी बदर, कौन तुम्हारा सीजी है? तुम हमारे फैमिली के कोई नहीं हो लड़के, तुम मेरे लिए एक ट्रस्ट हो। मुझे ये ट्रस्ट सुन के बहुत बुरा लगा। अंकल ने मुझे अपने गोद में उठा लिया और कोल्ड वॉइस में कहने लगे, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है इसको यहाँ पे रखने के लिए यू। मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ कि उसके डैड मेरे लिए क्या थे, सो प्लीज़ इस लड़के को मत डराओ। अंकल ने सबके सामने अनाउंस की, आज से ये बच्चा विभूषण हमारे साथ ही रहेगा, इसको आज इनके जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर किसी ने भी इसके साथ मिसबिहेवियर की, इसका मतलब वो मेरे साथ मिसबिहेवियर कर रहा है। क्या मैं क्लियर हूँ? सबने नोट की। अंकल ने उस वुमेन की तरफ देखी और बोलने लगे, यू मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, पर तुम भी मेरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता रास्तों पे मरने के लिए। तुम मेरे वाइफ हो, प्लीज़ इस चाइल्ड को मेरे फैमिली के लिए एक्सेप्ट कर लो। उस वुमेन ने कहा, फैमिली मतलब ये फ्यूचर में मेरे सन को चैलेंज कर सकता है? अंकल ने कामली कहा, वाइफ? मैं तो चौंकता ही रह गया, वो वुमेन अंकल की वाइफ है? ओ गॉड। मैंने अंकल को इशारा किया मुझे नीचे उतारने के लिए। अंकल ने मुझे नीचे उतारा और मैं अंकल के साथ ही उस वुमेन की तरफ बढ़ने लगा और वो वुमेन मुझे कन्फ्यूजिंग लुक से देख रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया मेरे दोनों हाथों से और कहने लगा, आंटी। वो वुमेन मुझे एक वाइंडेड आइज से देखने लगा। मैंने कहा, आंटी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी चैलेंज नहीं करूँगा, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और मैं स्वीट सी स्माइल दी उनकी तरफ। उनका फेस फ्लस्ट किया, जैसे कि उनका सारा गुस्सा चले गया हो और वो अभी स्माइल करेंगी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ हटा ली और वहाँ से चली गई। तो गाइस आज का पार्ट इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।